गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। और आज है सैटरडे और दोनों बच्चों की आज छुट्टी है, तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट लेट हो रहा है काम। तो आज सैटरडे, कौन सा सैटरडे है वही? आज फोर्थ सैटरडे है, तो इसी वजह से दोनों, मतलब अभी की तो सैटरडे की छुट्टी रहती है, बट माही को क्या बोलते हैं, सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे छुट्टी रहती है। और हाँ, मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, ये ना एक कुर्ती टाइप में है, एक्चुअली ये 3/4 आता है यहाँ तक, फ्रॉक स्टाइल में है, तो समर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और क्या बोलते हैं, तो कॉटन का भी है तो अच्छा लगता है, और कलर भी बहुत अच्छा है और प्योर कॉटन का है एक्चुअली, तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो अभी मैं यही एक और मतलब ऑर्डर किया था मैंने, तो वो अभी तक मिला नहीं है, तो वो भी आपको दिखा दूंगी आने के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी यही मैं पहनूंगी समर में, क्योंकि अभी वो जो ऑर्डर किया है वो तो अभी आया नहीं है, जब आएगा तो आपको दिखा दूंगी। और आपको फुल लुक दिखा दूँ कैसे लग रहा है, तो इस तरह से है ये फ्रॉक स्टाइल में, एक्चुअली एक मिनट, पूरा घेरा है इसे, बहुत सारा घेरा है, मतलब बहुत ज़्यादा घेरा है। तो एक मिनट माही को बोलती हूँ आपको दिखाने के लिए। तो देख लिया आपने ड्रेस कैसे लग रहा है, और मुझे ज़रूर बताना कैसे लग रहा है। और परचेज़ करना हो तो मीशो ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मीशो ऐप अगर डाउनलोड आपने नहीं किया है अभी तक, तो मीशो ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसका प्रोडक्ट कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मीशो डाउनलोड करोगे और उससे आप ये प्रोडक्ट कोड डालोगे, तो आपको ये वाला ड्रेस जो है वो दिख जाएगा। तो चलिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, आपको कैसा लग रहा है मुझ पर ये भी ज़रूर बताना। तो यहाँ पर ये आ गए थे ड्यूटी से और हम लोग कर रहे हैं लंच। तो यहाँ पर मैंने बनाया था दाल तड़का, दाल तड़का बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था यार, मतलब इतना सारा बनाया था मैंने, बट ना वो बचा ही नहीं बिल्कुल भी कुछ, तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत टेस्टी बना था। एक्चुअली दाल तड़का बनाया था, उसके साथ रोटी और राइस बनाए थे, तो दाल तड़का ना रोटी के साथ तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, बट राइस के साथ ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक्चुअली हम लोग ज़्यादा राइस नहीं खाते हैं, बट राइस के साथ ही मैं इनको बोल भी रही थी कि राइस के साथ ही ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये बोले कि शाम को भी दाल तड़का ही बनाएंगे और इसके साथ राइस बनाएंगे। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, शाम को वही बनाएंगे, मतलब रात को डिनर में भी वही बनाएंगे। तो फिर डिनर में तो बनाया नहीं था, बट वो बोल रहे थे कि आपको पसंद आया है तो डिनर में भी वही बनाएंगे। और आपको जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो है पुदीना पत्ता, इनको ना खाने के साथ पुदीना पत्ता बहुत ज़्यादा पसंद है खाना, और मुझे भी वैसे ही मतलब ज़बरदस्ती खिलाते हैं, मुझे नहीं पसंद है, बट वो ज़बरदस्ती खिलाते हैं, ज़बरदस्ती डाल देते हैं प्लेट में, तो खाना पड़ता है उनकी वजह से। सो गाइस, गुड इवनिंग, और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, अभी उठे हैं क्योंकि सो गए थे थोड़ी देर, मतलब नींद इतनी आ रही थी खाना खाने के बाद कि कुछ भी नहीं किया, फिर तुरंत सो गए, और अभी उठी हूँ। मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ, ना मैं बनाने वाली हूँ शेक बनाने वाली हूँ किसी भी चीज़ का, मतलब पता नहीं अभी, स्ट्रॉबेरी, हाँ स्ट्रॉबेरी है, तो स्ट्रॉबेरी शेक बनाने वाली हूँ, तो चलिए फिर बनाते हैं स्ट्रॉबेरी शेक। एक्चुअली उठने के बाद तो चाय चाहिए होती है, बट चाय नहीं बनाऊँगी आज, ये बनाऊँगी स्ट्रॉबेरी शेक। स्ट्रॉबेरी इतनी सारी लाई थी, सारी खा ली बच्चों ने, इतनी ही बची है, तो अभी इसका ही शेक बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं जल्दी जल्दी से। एक्चुअली स्ट्रॉबेरी शेक तो बनाना सभी को आता होगा, बट मैं कैसे बनाती हूँ वो आप देख लीजिए, तो अलग अलग तरीका होता है सभी का बनाने का, तो मैं ऐसे बनाती हूँ। और पहले मिक्सी में पहले स्ट्रॉबेरी और चीनी जो होती है वो पीस लेती हूँ, मतलब पहले स्ट्रॉबेरी और चीनी अच्छे से मिक्सी में पीस लेती हूँ, उसके बाद उसमें सारी चीज़ें डालती हूँ। और यहाँ पर मैं आइस भी उसमें डाल दे रही हूँ, क्योंकि आइस क्रश हो जाएगा उसमें, तो इसी वजह से मैं पहले ही आइस उसमें डाल दे रही हूँ। और हाँ, ये पहले इसीलिए डालती हूँ, मतलब या दूध पहले नहीं डालती हूँ, क्योंकि ना फिर स्ट्रॉबेरी वैसे ही रह जाती है, मतलब अच्छे से उसका पेस्ट नहीं होता है, तो इसी वजह से पहले ऐसे ही पीस लेती हूँ। और यहाँ पर मैं उसमें ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर, और ये जो इलायची पाउडर है, मैंने पहले किसी ने पूछा था मुझसे कि इलायची पाउडर कैसे बनाया है आपने, तो
मैंने चीनी में साबुत जो इलायची होती है, मतलब बिना छिलके वाली, सॉरी बिना छिलके वाली बोल रही हूँ, छिलके वाली जो इलायची होती है ग्रीन छिलका, डाल के ही मैं चीनी के साथ पीस लेती हूँ अच्छे से फाइन, उसका जो पाउडर है वो बना लेती हूँ, और बिल्कुल अब ग्रीन छिलका नहीं दिखेगा उसमें, तो वैसे बना के मैं एक बॉटल में रख देती हूँ, और वही मेरे चाय के भी काम आता है, ऐसे शेक वगैरह बनाते हैं उसकी भी आता है, कभी स्वीट वगैरह बना लिया उसमें भी काम आ जाता है, तो इस तरह से मैं करती हूँ। और बस स्ट्रॉबेरी अभी यहाँ पर मैं कर ले रही हूँ, मतलब क्रश कर ले रही हूँ, तो उसमें मेरा जो आइस है वो भी क्रश हो जा रहा है, और स्ट्रॉबेरी भी अच्छे से आप देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी के पीसेस नहीं रहे हैं उसमें, तो फिर उसमें मैं मिल्क ऐड करूँगी, दूध ऐड करूँगी, तो उसमें मैं पहले इस तरह से मैं स्ट्रॉबेरी पीस लेती हूँ और उसके बाद मैं मिल्क ऐड करती हूँ, तो बस मिल्क ऐड करने के बाद एक बार और घुमा लेना है आपको, और हो जाएगा आपका स्ट्रॉबेरी शेक रेडी। तो इसमें ना थोड़ा सा फोम आने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और इस तरह से अगर आप स्ट्रॉबेरी शेक बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और आप भी मुझे बताना कि आप कैसे बनाते हो, मतलब मेरा तो तरीका ये है, बट आप लोगों का भी तरीका अलग होगा या ऐसे ही होगा ये भी ज़रूर बताना, कि आप भी ऐसे ही बनाते हो या अलग तरीके से बनाते हो कुछ, तो आपका तरीका कैसा है तो ये भी मुझे ज़रूर बताना। और इस तरह से मेरा स्ट्रॉबेरी शेक रेडी है, अभी मैं ग्लासेस में ऐड करूँगी, और उसके बाद भी उसमें कुछ डलेगा तो आप देख लीजिए कि क्या क्या डालने वाला है। तो बस स्ट्रॉबेरी शेक ऐसे ग्लास में डाल देने के बाद ना मैं क्या करती हूँ, जो अदरक किसने वाली जो वो होती है ना ग्रेड करने वाली, तो उससे मैं काजू और बादाम उसमें ग्रेड करती हूँ ऊपर से, तो इस तरह से थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, टेस्ट में भी अच्छा लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है, तो इसी तरह से मैं काजू और बादाम को ग्रेड कर लेती हूँ ऊपर से, इससे तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, इस तरह से कर लूँगी, और उसके बाद सर्व करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और मेहमानों के सामने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और मुझे ना स्ट्रॉबेरी शेक काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और अद्विक को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और अद्विक को स्ट्रॉबेरी खाना ही बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से वो बहुत सारी स्ट्रॉबेरी लेके आते हैं अद्विक के लिए, और अद्विक माही को दोनों को भी पसंद है, बट अद्विक को बहुत ज़्यादा पसंद है और माही को पाइनएप्पल पसंद है, तो ऐसे ही ये समर में ना पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी ये सारी चीज़ें लेके ही आते हैं, और पिछले बार ना अभी इस बार समर में तो थोड़ा सा मैं पीने लगी हूँ शेक वगैरह, बट पिछली बार मेरी स्ट्रिक्ट डाइट चल रही थी समर में, तो मैं बिल्कुल नहीं पी रही थी कुछ भी, आइसक्रीम भी इतने सारे ला रहे थे ये, बट मेरे सामने ला ला के खाते थे, बट मुझे ना थोड़ा सा भी मतलब वो नहीं होता था कि चलो मैं थोड़ा सा खा लूँ इसमें से, बट इस साल पता नहीं मुझसे हो ही नहीं रहा है, बट फिर भी डाइट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर और वेट बढ़ता जाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा भी वेट पुट ऑन हो रहा है तबीयत की वजह से, तबीयत ख़राब थी ना तो उस टाइम वैसे ही हो रहा था कि बिल्कुल भी मतलब जो भी आ रहा था मेरे सामने वो खा ले रही थी मैं, तो कैसे हो रहा था कि एक तो वीकनेस आ गया था, और उसके बाद तबीयत से मतलब तबीयत ख़राब होके हम लोग जब तबीयत ठीक हो जाती है उसके बाद ना अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता है, मतलब मुँह का टेस्ट बिगड़ जाता है, तो उसके बाद ना अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता है, कुछ चटपटा कुछ स्पाइसी ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है, तो इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं देख रही थी इस बार, तो कुछ भी खा ले रही थी, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वेट पुट ऑन हो रहा है, तो अभी मैं थोड़ा सा डाइट पे ध्यान दूंगी, मतलब थोड़ा सा प्रोटीन वोटीन का भी स्टार्ट कर दूंगी लेना ज़्यादा प्रोटीन की चीज़ें, और डाइट भी कंट्रोल करूंगी अपना, तो वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अभी मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा हीवी हीवी सा फील हो रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है, तो मैं वैसे ही करूंगी अभी, और आपके साथ शेयर करूंगी जो भी करूंगी वो। और हाँ, बातें करते करते एक कमेंट याद आई मुझे, मैं कब से सोच रही थी कि आपको बताऊँ, मतलब वो कमेंट का रिप्लाई दूँ, बट मतलब याद ही नहीं आ रहा था, तो अभी याद आ गई तो मैं आपको बता देती हूँ, कि किसी ने मुझे बोला था कि आपके हस्बैंड ने 19 ईयर 18 ईयर अगर आर्मी में जॉब किया है तो उनकी एज होगी 40, तो मैंने कब कहा है कि उनकी एज 40 नहीं है, तो मतलब गैप नहीं हो सकता है, और आपने बोला था, बोल रहे थे कि आपने किसी ब्लॉग में बोला था, जैसे मैंने किसी ब्लॉग में बोला था कि मेरी एज 30 है, तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन से ब्लॉग में बोला था, बट अगर बोला भी होगा तो मैंने सही ही बोला था, 30 नहीं है मेरी एज, 31 है, तो मैंने सही बोला था, बट उन्होंने बोला है कि आपकी आप झूठ बोल रहे हो,
आपकी एज 30 नहीं है, आपके हस्बैंड की एज अगर 40 है तो आपकी एज ज़्यादा ही होगी, और वैसे भी मेरी एज ज़्यादा दिखती है बोल रहे थे, तो अगर मेरी एज ज़्यादा दिखती है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ डियर, बट सिर्फ ये कर सकती हूँ कि उसके लिए थोड़ा सा स्किन केयर अच्छे से कर सकती हूँ। तो आप अगर बोल रहे हो कि मेरी एज मेरे दिखने से मेरी एज ज़्यादा लगती है, तो मैंने झूठ नहीं बोला था, मेरी एज 31 है, और दिखने से अगर मेरी ज़्यादा लगती है तो मैं थोड़ा सा स्किन केयर पे ध्यान दूंगी, बस आपके कहने पे इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। और आपको हर चीज़ों के लिए अगर मतलब मुझे क्या प्रूफ देना पड़ेगा कि मेरी एज 31 है या 30 है? अब आपको मुझे ये प्रूफ करने के लिए कि मेरी एज 31 है, तो इसके लिए मुझे क्या लाइसेंस दिखाना पड़ेगा अब, या मुझे आई कार्ड दिखाना पड़ेगा अपना? तो अगर ये दिखाना पड़े तो हो गया, फिर तो हर चीज़ों के लिए आपको प्रूफ ही देना पड़ेगा मुझे, और दिखाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है उतनी तो है, बट उनको लग रहा है कि मेरी एज मेरे मतलब दिखने से मेरी एज बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ डियर। तो आपको अगर लग रहा हो तो मेरी एज ज़्यादा है तो होगी ज़्यादा, आप भी टेंशन मत लीजिए और मुझे भी टेंशन मत दीजिए। मतलब अब पता नहीं उन्होंने निगेटिव वे से बोला है या पॉजिटिव, बट मुझे आंसर करना था, बट वो आंसर मैं उसमें नहीं कर सकती थी, क्या कमेंट में नहीं कर सकती थी, क्योंकि कमेंट इतनी बड़ी मैं कमेंट कैसे लिखती, और उनको यकीन भी नहीं होता उससे अगर मैं कमेंट में लिखती भी, और मुझे याद ही नहीं है कि कौन से ब्लॉग में मैंने बोला था कि 30 एज है मेरी, बट 30 बोला भी था तो 31 30 हो सकता है पिछले साल बोला होगा या इसी साल बोला होगा, बट 31 और 30 में कोई फ़र्क नहीं होता, एक साल का डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं माना जाता। तो 31 है डियर मेरी एज, और इसके बाद मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, और ऐसी चीज़ों के लिए तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं अगर झूठ बोलती रहूँ तो और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला ऐसी चीज़ों को झूठ ऐसी चीज़ों में झूठ बोलने से, मतलब मैं अपनी एज छुपाऊंगी, और अभी के मुझे शादी करनी है कि मैं अपनी एज छुपाऊंगी, जो है वो आपके सामने दिख रहा है और जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो वही है, और बस उतना ही कहना चाहती थी, उनके सवाल का जवाब उनको मिल गया होगा आई होप, और बस यहाँ पर मैं अपने जो बर्तन है वो अपने जगह पर रख रही हूँ, जो मेरा आलस वाला काम है सबसे ज़्यादा घर का, तो वही मैं कर रही हूँ, और सबसे आप लोगों को पता ही है कि ये जो काम है मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है इसके लिए, बट करना पड़ता है, कुछ कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि जिसमें आपको परेशानी होती है, बट वो करना पड़ता है, और बस यही कर लूँगी अभी, अपनी जगह पे अपने जो बर्तन है वो लगा लूँगी, और शाम का यही काम होता है मेरा, शाम पे बर्तन जो होते हैं वो पड़े रहते हैं मतलब घिसके, तो वो मैं अपनी जगह पे लगा देती हूँ, और उसके बाद मेरे बाकी के काम हो जाते हैं, मतलब पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ घर की, जो झाड़ू पोछा होता है वो, और दिया बत्ती कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना जो बर्तन है वो लगा देती हूँ अपनी जगह पे, और अरेंज करने में ही तो काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है बर्तनों को। एक्चुअली मैंने सुबह ही जो कपड़े हैं वो वॉश कर लिए थे मशीन में, और सुबह ही मैंने ड्रायर से भी निकाल लिए थे, बट ना पता नहीं कैसे भूल गई खाना खाने के बाद कि मैंने ड्रायर से तो मतलब ड्राई तो कर लिया है, स्पिन कर लिया है कपड़ों को, बट डालना ही भूल गई थी मैं, तो वो मुझे अभी याद आया कि मुझे डालना है कपड़े जो मैंने स्पिन करके रखे थे, तो मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ, नहीं तो फिर वो नहीं होगा, सूखेंगे नहीं कपड़े और स्मेल आने लगेगी उससे, तो इसी वजह से मैं ऊपर आ गई थी। और हाँ ऐसे ही होता है कि धूप निकल जाती है तो फिर शाम को तो बाहर नहीं डाल सकते, कभी बारिश हो जाती है, कभी कुछ, और बाहर के हवा भी ठीक नहीं रहती है रात को, तो इसी वजह से मैं रात को कपड़े बाहर नहीं डालती हूँ, तो फिर मैं शाम को ऊपर आ गई थी कपड़े डालने के लिए स्टैंड में ये वाले, और ये वाला स्टैंड किसी ने पूछा था कि कहाँ से लिया है, तो ये तो मैंने लोकल मार्केट से लिया था, बट अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है सेम स्टैंड, तो मैं अगर आपको चाहिए हो तो मैं अमेज़ॉन की लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना, तो ये वाला स्टैंड अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है, और मैंने तो लोकल मार्केट से लिया था, एक्चुअली में हम लोग गए थे अद्विक के लिए कुछ लेने के लिए, तो वहाँ पर मुझे ये दिख गया था, मतलब खिलौने वगैरह लेने के लिए कुछ, तो वहाँ पर मुझे दिख गया था, तो हमने ले लिया था उस टाइम ये स्टैंड, और काफ़ी स्टर्डी है, मतलब बहुत अच्छा है, काफ़ी दिनों से ये मैं यूज़ कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा है,
अंदर भी उसे यूज़ कर सकते हैं, बाहर भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और बारिश में तो बहुत ज़्यादा काम आता है। इसकी वजह से तो बारिश में कपड़े सुखाने का टेंशन ही खत्म हो जाता है। मेरा ना एक वाइट टी शर्ट रह गया था, सारे कपड़ों के साथ डाल दिया था मैंने, तो याद ही नहीं रहा। और वो ना इतना गंदा हो चुका है डेली यूज के कपड़ों के साथ डाला था, तो उसका वाइट कलर दिख ही नहीं रहा है, तब उसको दोबारा से मुझे वॉश करना पड़ेगा। तो चलिए उसको वॉश करते हैं। वाइट कपड़ों के लिए मैं ना यूज करती हूँ वैनिश, तो अभी वैनिश डालूंगी इसमें और फिर सर्फ डालूंगी, लिक्विड सर्फ एक्सेल, तो ये वाला डालूंगी उसके बाद। एक टी शर्ट के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है अब दोबारा से, पता नहीं गलती से कैसे चला गया उसमें। चल रही है यार, इतना मतलब गंदा हो चुका है वो कि आपको क्या होता है, पूरा ब्लैक हो गया है, मतलब इतना ऑफ वाइट हो गया है वाइट का, पूरा पोछा लग रहा है। वो वाला टी शर्ट मेरा इतना फेवरेट था, हाँ ना, पोछा लग रहा है पूरा, तो इतना फेवरेट टी शर्ट था मेरा, बहुत अच्छा लगता था, बट पोछा बन गया। चलो जाने दो, अभी हो रहा है, पता नहीं अभी उसका पहले का लुक आएगा या नहीं, देखते हैं। एक्चुअली गाइज, हम लोग ऐसे ही जा रहे थे घूमने के लिए, कभी कभी बोर हो जाता है तो हम ऐसे ही घूमने के लिए निकल जाते हैं, कुछ काम वाम नहीं होता है बाहर, बट शाम का अगर नज़ारा देखते हैं बाहर का, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है, इसी वजह से हम लोग निकल जाते हैं बाहर। ये बोलते हैं कि चलो बाहर निकलो, मतलब उनको भी पता है कि मैं बाहर नहीं जाती हूँ ज़्यादा, कभी बाहर जाना हुआ तो ही बाहर निकलते हैं, नहीं तो फिर घर पे ही रहती हूँ, फिर घर पे रहने के बाद ना बोर हो जाते हैं कभी कभी, तो इसी वजह से ये कभी कभी बोल देते हैं मुझे कि चलो रेडी हो जाओ। रेडी भी नहीं हुई थी मैं, घर का ही ड्रेस पहना था वही, और ऐसे निकल चुके थे हम लोग घूमने के लिए। तो इन्होंने ना हम लोगों को लगा, कभी कभी हम लोग ऐसे निकलते हैं तो पानी पूरी वगैरह खा लेते हैं बाहर, उसी के बहाने से ये मुझे बोलते हैं हमेशा कि चलो। कभी उनको लगता है कि ऐसे ये थोड़ा सा थक गई है या मूड इसका थोड़ा सा ये है, तो कभी कभी मुझे बोल देते हैं कि चलो हम लोग बाहर से घूम के आते हैं, तो उनको लगता है कि इसका मूड फ्रेश हो जाएगा। और वो भी होता है कि कुछ खा पी के आ जाते हैं, तो फिर हम लोगों ने पानी पूरी वगैरह खा ली थी, तो उससे ना पानी पूरी थोड़ी सी भी खा लेते हैं ना तो पेट भर जाता है पूरा, तो हाँ उसके बाद फिर घर पे आके खाना वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा भी पानी पूरी से आप लोगों को पता होगा, अगर आप पानी पूरी के वगैरह के लवर हो, पानी पूरी के लवर हो, तो आपको पता होगा थोड़ी सी भी पानी पूरी खाते हैं तो फिर घर पे आके खाने का मन नहीं करता है, उससे पानी से ही पेट भर जाता है उसके। सो गाइज, हम लोग गए थे बाहर कुछ खाने के लिए, ऐसे ही गए थे मतलब घूमने के लिए, तो वहाँ से खा पी के आए हैं, थोड़ा सा पानी पूरी वगैरह खाने से ही यार पेट भर जाता है, तो ऐसे गए थे। बच्चों को भी थोड़ा सा फ्रेश लगना चाहिए और मुझे भी थोड़ा सा, बाहर घूमते हैं ना तो थोड़ा सा फ्रेश लगता है, तो इसी वजह से ऐसे ही ये बोल रहे थे कि चलो आपको घुमा के लाता हूँ, तो ऐसे ही गए थे हम लोग, बट वहाँ से खा पी के आए हैं और बस बहुत लेट हो गया है, तो मतलब 11 बज गया एक्चुअली ना, उधर से आए और श्रीकांत के घर गई मैं, तो वहाँ पर ये काफ़ी दिन हो गए थे गई नहीं थी, तो आंटी भी बोल रही थी कि नहीं आई हूँ कब से, तो टाइम ही नहीं मिल रहा है क्या, तो इस वजह से आज चली गई थी, तो मैंने सोचा चलो जाके आती हूँ और थोड़ा सा टाइम उनके साथ भी स्पेंड किया, तो अच्छा लगा उनके साथ भी टाइम स्पेंड करके, तो काफ़ी दिनों के बाद गई, तो काफ़ी देर तक फिर रुके, अभी 11 बज गया मतलब 11:15 बजे है अभी आई हूँ मैं वहाँ से, तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर आपने नहीं किया है तो आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, वीडियो रिलेटेड टिप्स, वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय।